30 अप्रैल की वो सुबह जब लुधियाना के एक इलाके से खबर बड़ी वायरल की तरह फैल गई कि कुछ लोग जमीन पर एकाएक गिर रहे हैं। जमीन पर क्यों गिर रहे हैं, गिर के बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने पूरे पंजाब, पूरे देश को झिंझोड़ कर रख दिया। यह घटना थी 30 अप्रैल की लुधियाना के ग्यासपुरा इलाका की। आप मेरे पीछे देख सकते हो आरती क्लिनिक, ये डॉक्टर साहब की एक क्लिनिक है जहां पर 30 अप्रैल को एक घटना घटी। ये इस इलाके में ये एक क्लिनिक है, इसके साथ दो तीन दुकानें और थी जहां पर ये पूरा एपिसोड हुआ। एपिसोड क्या हुआ आप सबके जहन में अभी भी कुछ होगा, 20 दिन हो चुके हैं इस घटना को। आरती क्लिनिक के डॉक्टर साहब हैं जो अपने पूरी 5 मेंबर्स की उनकी फैमिली थी, 2 बच्चे थे उनमें, वो इस घटना में उनका निधन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और लोग भी मरे, कुल 11 लोगों की मौत हुई इस घटना में। 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक क्या हुआ इस संबंध में, क्या सरकार कर रही है, क्या प्रशासन कर रहा है, अभी तक लोगों को नहीं पता है। हम पंजाब केसरी एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आए हैं 20 दिन बाद, कि क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस जो बताई जा रही है वो सीवरेजेस में से निकली और लोग ऐसे गिरने लगे कि जैसे उनमें जान प्राण ही नहीं है। तो ये घटना कब हुई, कैसे हुई, ये सबको पता है, लेकिन इस घटना के दौरान कुछ ऐसे चीज़ें भी थी जिसके बारे में लोग शायद नहीं जानते। हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आप यहाँ पे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये घर दिखाएं, ये घर, ये वो घर है जहाँ के लोग इस घटना का शिकार हुए, इस घटना में जिनका निधन हुआ, 11 लोग जो मरे वो उन लोगों में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो 20 दिन बाद करीब यहाँ दोबारा आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारा यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि हम लोगों को एक तो जागरूक करें और सरकार से हमारी या प्रशासन से हमारी जो डिमांड है कि हम पूछें कि अभी तक क्या हुआ इस मामले में, इस मामले में जो होना चाहिए था क्या वो कार्रवाई हुई, इस मामले में जो पर्चा दर्ज हुआ था उस पे क्या हुआ, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ का जो अभी भी माहौल है, 20 दिन बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, 20 दिन बाद भी इतनी बुरी सिचुएशन है अभी तक। और सीवरेज, बेशक सीवरेज में अब वो निकल वाला, वो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला पानी नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है यहाँ की। तो हम अभी बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो उस दिन मौके पर थे, जिनके सामने ये वाक्या हुआ, पहले वो बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या है। कुछ फैक्ट्रीज चल रही हैं, कुछ अभी भी सीवरेज में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें हमारे एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ महेंद्र कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, आप उस दिन मौके पर थे, आपने सारा मंजर देखा, तो आप उसको थोड़ा सा बताओगे क्या कैसे हुआ। संडे का दिन था और सवेरे वही 7 बजे के करीब का टाइम था, और जिस तरह से हम लोग हर संडे मैच खेलने जाते हैं, तो मैं अपने फ्रेंड को यहाँ से गुजर रहा था लेने के लिए, तो मैंने देखा दो बंदे गिरे हुए हैं और एक बंदा उसमें जो बेहोश थे दो बंदे, और एक बंदा और गिरा था, उसके नाक मुँह से खून आ रहा था और वो तड़प रहा था। तो मेरे को लगा शायद एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं रुक करके सोचा देख लूँ अपने लायक जो सेवा होगी हम कर दें। तो वहाँ यहाँ सीवरेज की टाइप की बदबू आ रही थी, तो मेरे को लगा नॉर्मली यहाँ सीवरेज की बदबू आती है, जैसे पीर बिल्डिंग मटेरियल सामने कोई इनका सीवरेज का है ढक्कन डुक्कन, वहाँ बदबू आती थी, मेरे माइंड में ये था कि वहाँ बदबू आती रहती है। तो अचानक से बदबू ज़्यादा आने लग गई, तो एक बंदा था वो तो मेरे को देख के लग रहा था कि डेड हो गया है,
और दूसरा जो बंदा बहुत तड़प रहा था उसको आंटी आकर के ऊपर से पानी उसके मुंह पे डालने लग गई। तो पानी डाल रही थी लेकिन वो तड़प रहा था, कोई उस पर असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा वो आंटी जो पानी डाल रही थी वो भी गिर गई और मेरे भी पैर ठंडे हो गए थे, मेरे को हार्ट की पेन होने लग गई। तो मैं यहाँ से फिर अपनी जान बचा के भागा, मैं कहा लग रहा है कुछ है। महेंद्र, ये जो घटना हुई है ये किस, ये टाइम क्या था उस टाइम, और आप लोग जो रूटीन में यहाँ से निकलते हो या उस दिन कुछ खास अलग लग रहा था? नहीं, मैं तो रूटीन में डेली इधर से निकलता हूँ, लेकिन उस दिन संडे का दिन था, तो संडे के दिन सवेरे का टाइम था, मैं अचानक से जा रहा था यहाँ। वैसे तो मेरा रूटीन का इस रोड पर डेली का 4-5 चक्कर होते हैं। तो आपने जब ये पहले सब कुछ देखा है, यहाँ पे अभी किसी की बॉडी पड़ी है, बेचारा तड़प रहा है, तो आपको क्या लगा एकदम से कि क्या हुआ है? मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मैं इधर से गुजर रहा था तो दो बंदे गिरे थे, वो तो चलो बेहोश थे, मैं उनके शरीर पे देख रहा था चोट कहाँ पे है, तो चोट उनके नहीं दिखा, लेकिन एक जो दूसरा बंदा था उसके नाक मुंह से खून आ रहा था। मेरे माइंड में वो एक्सीडेंट हुआ, मैं अपनी एक्टिवा रोका और सोचा कि फर्स्ट एड कर दूं, अगर कुछ होगा तो हम ऑटो खड़ा था, ऑटो पे मैं बेच के हॉस्पिटल कर दूं। तो मैं सोच करके रुका, लेकिन जब बदबू आ रही थी तो मैं भी नहीं समझ पाया कि बदबू किस चीज़ की है, मैं तो उनकी तरफ ध्यान दे रहा था क्या है। कुछ देर बाद देख रहा हूँ तो एक दो बंदे और गिर गए, तड़प रहे थे, मेरे पैर हल्के ठंडे पड़े, मेरे हार्ट में पेन होने लग गया, तो मैं भी यहाँ से फिर मैं भाग लिया। महेंद्र, एक चीज मैं और पूछनी चाहूंगा कि वो अब इस घटना का 20 दिन हो गया नियर अबाउट, तो 20 दिन बाद अब क्या सिचुएशन है यहाँ की? 20 दिन बाद आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है, तो होता रहता है यहाँ पे, बस सरकार ने जो करना है कर दिया, कुछ दिन के लिए रहता है। अब हम तो यही कहेंगे पीड़ित परिवार को मदद मिल जाए, कुछ भी जो भी, उसके लिए सरकार को उस पर चेक करना चाहिए कि उनके पोल्यूशन बोर्ड को चेक करना चाहिए कि ये प्रदूषण हुआ कहाँ से, क्योंकि जो बच्चों की जान गई है, जिनकी बच्चों की अभी मान लो उम्र ही कुछ नहीं थी, जिन्होंने अभी जिंदगी नहीं देखी थी, वो मरे हैं, तो सोच लो कि किसी के घर का बच्चा गया तो अपने ऊपर लेकर के देखो कितना दर्द हो रहा होगा। तो अभी जो उसके बाद कुछ चेकिंग हो रही है फैक्ट्रीज की, कुछ उन्होंने लगाम लगाया प्रशासन ने? प्रशासन ने लगाम क्या लगाया, फैक्ट्रियां तो चल ही रही हैं आपके सामने, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं अब आप भी देख ही सकते हैं, ये तो मान लो कांड हो गया, 15-20 दिन हो गए, बंदे भूल गए, यहाँ तो ऐसे ही चलना है। धन्यवाद महेंद्र। महेंद्र ने एक बहुत बड़ी बात की है कि उस दिन संडे था और बच्चे भी यहाँ 11 जो लोग मरे हैं उनमें बच्चे भी मरे हैं, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, उनके परिवारों के लोग ये सोच रहे होंगे कि काश संडे ना होता, बच्चे स्कूल चले गए होते तो ये घटना शायद ना होती और उनके बच्चे जिंदा होते। हम आपको इसके अलावा और बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हमारे सामने बिल्कुल पीछे है गोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, जहाँ पे हमने अभी महेंद्र से बात करी, उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम लोगों को पता होगा। इस गोयल कोल्ड ड्रिंक के बिल्कुल सामने कुछ लोग हैं जो ये दुकान चला रहे हैं, यहाँ पे हरीश चंद्र जिनसे हम बात करेंगे अभी। हरीश चंद्र, जो उस दिन घटना हुई थी 30 अप्रैल को, आप यहीं थे, आप जैसे बता रहे थे, तो वो क्या था मामला, क्या कैसे हुआ सब, आपके सामने हुआ जो हुआ? हाँ जी सर, मेरे सामने हुआ था ये घटना। जब हम दुकान पे थे, यहाँ काम कर रहे थे, तो थोड़ी महक आ रही थी हवा के साथ, तो मैं सोचा कुछ महक आ रही होगी, तो हम लोगों ने काम कर रहे थे, तो गोयल कोल्ड ड्रिंक के पास कोई जनानी दूध लेने के लिए आई थी, तो उसने आवाज़ मारी कि गौरव गिर गया, इसको देखो। तो हमने अपनी दुकान से भाग के गया, उनको देखा, वो गिरे हुए थे, तो मैंने उनको उठाया, पर वो भारी भरकम थे, हमसे उठे नहीं, तो हमने पौड़ी के साथ उनको आवाज़ मारा, आंटी गौरव भैया गिर गए, नीचे आओ। फिर उन्होंने भैया आए सौरभ, और फिर आंटी आई, और उन दोनों ने उनको ऐसे पकड़ के 2-4 मिनट बातें की, गौरव, उसके बाद वो बेहोश होके गिर गए। फिर उनकी बहू आ रही थी, वो पौड़ी पे ही गिर गई, और गोद में बच्चा था, तो राजेश नाम का लड़का भी आ गया बचाने के लिए, वो बच्चा को बाहर निकाला, और उसके बाद गौरव को बाहर निकाल के फिर राजेश बेहोश हो गया, और मुझे हल्की फुल्की लगी गैस, तो मैं भागा वहाँ से, फिर राजेश को मैं वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गया कैंसर में। तो राजेश अब ठीक है? राजेश अब ठीक है, और उसके बाद रूबी देवी थी जो बच्चे को रखी थी, वो भी बेहोश हो गई। तो जो एक बच्चा, जो बच्चा है, आप उसी बच्चे की बात कर रहे हो शायद, तो वो बच्चा कैसे बचा, कैसे हुआ? वो बच्चे को राजेश ने उठा के वहाँ से और अपनी दुकान की तरफ ले आया, वो अपनी घरवाली को पकड़ा दी, और उसके बाद वो मेरी रूबी देवी को पकड़ा दी, साथ में ही दोनों थे तो उनको पकड़ा दी, वो बच्चा को लेके फिर दूसरे जगह चली गई। इस तरह की जो समस्या गैस की, या आप पहले भी कभी महसूस की आपने, या सिर्फ उसी दिन महसूस की? नहीं, पहले तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा होने लगी थी, हौली हौली बढ़ता चला गया, और हम लोग को समझ नहीं आ भी ये क्या चीज़ का महक आ रही है। एक जो बच्चा बचा है, उसको मैंने सुना है कि आपकी पत्नी के कारण वो बच गया, वो क्या एपिसोड हुआ था? वो हमारी घरवाली ने उस बच्चे को लेके जब आई अपनी ढाबे की तरफ ना,
तो उनको भी गैस थोड़ा बहुत लग रहा था। फिर वो बच्चे को लेके दूर चली गई, 3-4 गली दूर चली गई। वहाँ बच्चे को किसी ने ले लिया गोद में, दूध दूध पिलाई, हमारी घरवाली बेहोश हो गई वहीं पे। एक कोई कुछ पता लगा था कि यहाँ पे कुछ ऑफिसर भी थे जो आए यहाँ स्पॉट पे, उनको भी इसका इफेक्ट आया था? हाँ सर, एक ऑफिसर थे, सरदार थे, वो जो पाग बांधे हुए थे वहाँ पे, वो माहौल को देख रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे भी लोगों को इधर उधर ना जाओ। फिर उनको जब गैस लगी तो वो पीछे के बल ऐसे गिरते गिरते ना, जो सामने एक पलार था उसमें गेट खुला हुआ था, वहाँ जाके वो गिर गए। हरीश चंद्र ने काफ़ी कुछ क्लियर किया कि उस दिन जो घटनाक्रम कैसे हुआ, ये मौके के गवाह थे। तो ये अभी स्टार्ट है, इसके बाद बहुत कुछ है जो आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 30 अप्रैल घटना वाले दिन जो पूरा एपिसोड हुआ, उस एपिसोड के बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जो उस दिन सामने नहीं आए, लेकिन आज वो गवाह सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जैसे गोयल कोल्ड ड्रिंक्स की हमने बात की, वहाँ पे कुछ लोग सामान देने आए थे, उस सामान देने वाले लोगों को जब ये खबर मिली कि यह घटना हुई है तो वो एकदम से शॉक्ड थे कि ये एकदम से क्या हो गया। मौके के गवाह हैं राजेंद्र कुमार शर्मा, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, क्या हुआ था उस दिन? आप यहाँ पे सप्लाई देते हो इनको? जी सर, आप उस दिन आए थे यहाँ? हाँ जी, हाँ जी आया था, पर हमारे को वहाँ से आगे नहीं आने दिया इन्होंने। हम पीछे घूम के गए, उधर से भी बंद कर दिया, हमारे को मना कर दिया। फिर हम इधर से घूम के गए, हमारे को ऐसे पता चला, मैंने अपने यार दोस्त से कंफर्म करा, कहता हाँ ऐसी ऐसी बात हुई है। तो फिर उसके अगले दिन भी स्मेल आती रही, यहाँ पे 2-3 दिन स्मेल आती रही। तो ये जो स्मेल थी ये इसी एरिया में आ रही थी या कुछ आगे जाके, जैसे आप दूर खड़े थे? वहाँ से लेके आगे तक भी स्मेल थी, मतलब काफ़ी दूर, 100-200 मीटर तक स्मेल थी। आप जैसे कह रहे हो कि पीछे जाके भी इसकी स्मेल थी? पीछे भी सर हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, हम मुंह पे कपड़ा बांध के फिर सप्लाई पीछे से उधर आगे गए। तो आप जब इस मौके पे यहाँ पे आए थे, स्मेल आ रही थी, तो आपको कोई बॉडी में सिम्टम नज़र आएगा या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो? नहीं सर, हमने मुँह अपना कवर कर लिया था, ऐसे ना हल्का हल्का सिर थोड़ा सा घूम रहा था। तो जैसे राजेंद्र कुमार शर्मा जी ने बताया कि गैस नियर अबाउट 200 मीटर तक दोनों तरफ आ रही थी उसकी स्मेल, और इसके इवन पीछे जो रोड है वहाँ भी स्मेल आ रही थी। तो इसके अलावा और बहुत कुछ है जो आगे आपको देखने को मिलेगा, आप आगे देखिए। गोयल कोल्ड ड्रिंक्स के सामने बिल्कुल एक जो दुकानें हैं उनमें एक राजेश कुमार थे, जिन्होंने उस दिन घटना वाले दिन बहुत सारे लोगों की मदद की, और मदद करते करते वो खुद बेहोश हो गए। बेहोश हुए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि उनके बचने के सिर्फ 10% चांस हैं। तो 11 लोग तो चले गए, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है या राजेश कुमार की फैमिली की किस्मत अच्छी है, राजेश कुमार की खुद की किस्मत अच्छी है कि वो आज हमारे साथ हैं। वो राजेश कुमार ने एक बहुत बड़ी बात हमें बताई है, हम उनसे भी सुनेंगे कि ये जो गैस उस दिन चढ़ी है वो दिमाग को गैस चढ़ी है, उसके बाद जो इंसान हरकतें कर रहा था वो भी अजीब हरकतें कर रहा था। हम एक एक चीज़ सब पूछेंगे राजेश कुमार से। राजेश, एक तो आप किस्मत वाले हो, आप बच गए। उस दिन घटना वाले दिन क्या हुआ था स्टार्ट से बताइए। ये जी 6:30-7 बजे सुबह की बात है, मेरी दुकान 6 बजे सुबह खुल गई थी, तो मैं अपने दुकान पर काम कर रहा था। ये गौरव है, वहाँ पहले गौरव बेहोश हो गया अपने दुकान के पास, फिर मैं वहाँ से देख के वहाँ से आया भाग के, तो मैंने देखा इनको बेहोश, इनको उठाने लगा, फिर ये उठे नहीं, भारी थे हमसे। फिर इनके मम्मी को आवाज़ लगाया गया, इनकी मम्मी आई, इनकी मम्मी आते आते फिर गिर गई, बेहोश हो गई। फिर इनके मम्मी की आवाज़ सुन के इनके छोटे भाई आए, फिर उनकी वाइफ आई, ऐसे धीरे धीरे आए सब लोग और सारे लोग बेहोश हो गए। जो एक छोटा लड़का था 8 महीने का, वो सीढ़ी पे ही गिर गया, वो अपने मम्मी उसकी गोद में लेके आ रही थी, तो मम्मी बेहोश हो गई, लड़के गिर गया वैसे। तो छोटे वाले लड़के को मैंने उठा के अपने घरवाली को पकड़ा दिया, घरवाली को पकड़ाने के बाद फिर आया इनकी मदद करने, इनको उठा उठा के मैंने बगल में इधर कर दिया। इधर करने के बाद फिर मैं गटर के पास ही मैं खुद बेहोश हो गया। तो जब आप बेहोश हुए तो आपको क्या, उससे पहले क्या महसूस हुआ? कुछ महसूस नहीं आया, सिर्फ महक आ रही थी और महसूस कुछ नहीं आया। कोई चक्कर आ रहे हो या आपको सिम्टम लग रहे हो? पता ही नहीं लगा, सिर्फ स्मेल आ रही थी बस। तो बेहोश होने के बाद आपको आपके मित्र या हॉस्पिटल ले गए, तो उसके बाद आप कितने दिन रहे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मैं 2 दिन था, दूसरे दिन मेरे को छुट्टी हो गई थी। तो आपको होश कब आई? होश आया 8 घंटे बाद।
8 घंटे बाद जब आपको होश आया, तो उससे पहले जो आपके परिवार वाले साथ थे, आपकी क्या दशा थी उस टाइम, उनको पता बताया होगा आपको कुछ? उस समय हमारे परिवार वाले भी बता रहे थे और डॉक्टर भी बता रहे थे, वहाँ के जितने डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, जितने थे, सब बता रहे थे कि आप ऐसी कैसे आप हमें इलाज करने नहीं दे रहे थे, आप गोड़ हाथ पूरा फेंक रहे थे, किसी को इलाज करने नहीं दे रहे थे, तो हमने आपको रस्सी में बांध के इलाज किया है। तो ये थे राजेश। राजेश ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे भी है जो आपको अभी दिखाते हैं। अभी जैसा कि हरीश चंद्र बता रहे थे हमें स्पॉट पे, कि जो उस दिन घटना हुई उसके बाद जो एक बच्चा बचा है, उस बच्चे को बचाने में कुछ लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस बच्चे का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, लेकिन उस बच्चे को कहते हैं ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वो सिचुएशन उस बच्चे के साथ हुई थी। तो मैं आपको यहाँ, ये इंदिरा पार्क है, यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो बच्चा बचा है उस दिन, उसको एक महिला यहाँ पर लेके आई थी इंदिरा पार्क में, जिसके कारण उस बच्चे के प्राण, उसकी जान बच गई। ये आप देख सकते हो, ये पीछे मेरे पार्क है, यहीं पर आकर उसने बच्चे को रखा थोड़ी देर महिला ने, जिसके बाद उसकी बच्चे की जान बच पाई। हरा भरा पार्क है, इसमें कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है। ये बाईं साइड पे मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, हरा भरा पार्क है, लेकिन इस पार्क के अंदर भी कुछ ऐसी चीज है देखने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये तो यहां तक हो गया। अब मैं आपको वो चीज जो मैं आपको पहले से कह रहा था कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अभी मैं आपको बार बार कह रहा था कि इसके आगे बहुत कुछ है देखने के लिए, तो अभी मैं उस पॉइंट पे आया हूँ जहाँ आपको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस टाइम हूँ इंदिरा पार्क में, जो ग्यासपुरा इलाके में सूहा रोड पर इंदिरा पार्क है एक। उस पार्क के अंदर जो दीवार है, एक दीवार वो है किसी फैक्ट्री की, जहाँ पे केमिकल यूज़ होता है। मैं अभी आपको वो दीवार दिखाने जा रहा हूँ। उस दीवार को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से केमिकल फैक्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। ये देखिए, ऊपर दीवार से केमिकल रिस कर पूरा नीचे ज़मीन तक आ रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि केमिकल नहीं यूज़ हो रहा फैक्ट्रीज में, या उसको सीवरेज में नहीं डाला जा रहा, वो उसका एक देखिए कितना बड़ा उदाहरण कि दीवार से रिस कर केमिकल पार्क के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर पार्क में बच्चे खेलते हैं, बकायदा बच्चे खेलेंगे तो उनके हाथ पैर को ये केमिकल लगेगा, तो सिचुएशन आप देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं दिखानी चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो वृक्ष, जो आप ये पौधे देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे, ये एक्चुअली इस तरह के पौधे नहीं थे, ये थोड़े दिन पहले लगे हैं ये पौधे। जो पौधे यहाँ पे थे वो डेवलप हो चुके थे, जो आप मेरे पीछे दूर देख रहे हो वो उस तरह के पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे, जो केमिकल के कारण जिनकी जड़ें ख़राब हो गई और उस केमिकल ने उनको गिरा दिया। और अब एक जो जिसको कहेंगे कि सफाई देने के लिए कि हम पोल्यूशन के रखवाले हैं, और ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए। अभी मैं अगर मिट्टी भी खोदूंगा तो इस मिट्टी में भी केमिकल है, आप देख सकते हो ज़मीन में, ज़मीन का कलर, मिट्टी का रंग आपको अलग दिखेगा। और मैं उसके बाद कैमरामैन को कहूँगा कि ये अलग से दूसरी मिट्टी भी दिखाएं जहाँ केमिकल नहीं आ रहा है। देखिए पौधे तो लगा दिए गए, और ये देखिए मिट्टी का फ़र्क, केमिकल वाली मिट्टी जो केमिकल डिस्कर आ रहा है उसकी मिट्टी आपने देखी, और ये वो मिट्टी जहाँ केमिकल नहीं पहुँच रहा है, इसमें फ़र्क है। वैसे ये जो आपने पौधे देखे अभी, ये पौधे अभी कुछ दिन पहले ही लगाए गए हैं। कहते हैं कि हम प्रदूषण के विरोधी हैं, हम रक्षक हैं इस धरती के, लेकिन पौधे लगा दिए गए केमिकल के कारण, जो जो जितने बड़े पेड़ थे, ये पेड़ इस तरह के पेड़ थे, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, ये पेड़ थे इस तरह का पेड़, इस तरह के 5 से 6 पेड़ यहाँ पे और लगे हुए थे, जो केमिकल आया ऊपर से फैक्ट्री में से रिसकर, जो पानी ज़मीन में गया, मिट्टी को उसने ख़राब किया, और उसके बाद पौधों की जड़ों को, पेड़ों की जड़ों को ख़राब किया। और देखिए आपके सामने है कि ये 2-4 पौधे लगा के खाना पूर्ति कर दी गई, ये सिचुएशन है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पेड़ होते थे, मैं लुधियाना में नहीं रहता, मैं इस पार्क में पहली बार आया हूँ, मैं इसका गवाह नहीं हूँ कि यहाँ पेड़ होते थे, लोग यहाँ के गवाह हैं जो यहाँ पे अभी हम आपको मिलवाएंगे, जो बताएंगे कि यहाँ पेड़ होते थे कि नहीं। क्या नाम है जी आपका? बता सही, आप यहीं रहते हो? मैं तो ये जो पौधे आप देख रहे हो, ये पहले भी पौधे ही थे? हाँ, या यहाँ कुछ और था? यहाँ पहले भी पौधा था, तो ये तेजाब के पानी से उखड़ गया।
तो कितने के बड़े थे वो पेड़ बन गए थे? हाँ पेड़ बन गए थे, वो तो बड़े बड़े हो गए थे। तो ये कब गिरे हैं ये? अब ये तो नहीं पता है, बाकी वो कट गया था तो ठंडी में सब जलाने के लिए लेके चल गए। अच्छा, तो नियर अबाउट 4-5 महीने हो गए खराब हुए। वो अशोक है, उनको पता होगा। हाँ तो ये केमिकल के कारण हुआ है? हाँ ये सब गिरता है ना, इसी कारण से हुआ है। ये कब से गिर रहा है? अब ये पता नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी जब से गिर रहा है तब से पेड़ पौधा यहाँ नहीं रुक रहा है, सब कट जा रहा है। ये दर्द है यहाँ के लोगों का जो बयान करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग स्पॉट पे आते हैं, हम कवर करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये लोग होते हैं ना, ये लोग जागरूक लोग होते हैं जो देखते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो बोलते हैं, जैसे वो अभी बोल रहे थे। तो अभी इतना ही, अभी मैं आपको आगे कुछ और दिखाता हूँ। ग्यासपुरा की ये मुख्य सड़क जिसके साथ ही सुवा रोड पड़ रहा है, इसके साथ हम जहाँ पर यह घटना पूरी हुई, जहाँ पर 11 लोगों का निधन हुआ, उससे 20 मीटर की दूरी पर ये गली आप मेरे पीछे देख सकते हो। इस गली में पूरी इंडस्ट्री ही है, जिसमें हर तरह की इंडस्ट्री है, उसमें केमिकल यूज़ भी होता है, उसमें शीट्स भी बनती हैं, उसमें कई तरह के प्रोडक्ट हैं, उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का भी काम है। लेकिन अभी प्रशासन ने एक्टिव होकर इस गली में जितने जो कास्टिक का काम करते थे, जो केमिकल का यूज़ करते थे, उनकी फैक्ट्रियों के कनेक्शन काट दिए हैं। लेकिन अभी तक भी कुछ फैक्ट्रीज़ में काम चल रहा है, कुछ फैक्ट्रीज़ के तो ताले लग गए हैं, जो ताले लगा के जा चुके हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो अंदर से लॉक लगा के काम कर रही हैं। और वो किस तरह का काम कर रही हैं ये अभी कुछ साफ नहीं है। अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं, अगर वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ताले लगा के काम करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अभी अभी ये एक स्टार्ट है, इसके बाद अभी और कुछ भी बहुत कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं, देखते रहिए। घटना के दिन 30 अप्रैल को जो मुख्य 2-3 घर यहाँ के जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए, उनमें से एक था गोयल परिवार। गोयल परिवार से हमारे साथ हैं गौरव गोयल, जो बिल्कुल हमारे साथ हैं। इनके साथ क्या क्या हुआ उस दिन सब पूछेंगे। इनके परिवार के 3 लोग गए हैं, बहुत बड़ा शौक है इनके लिए, तो उनसे बात करते हैं। गौरव जी, एक तो जो घटना हुई उस दिन, वो थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह सब हुआ। सर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, जैसे पानी था नहीं, ऊपर जाने वाला था पानी के लिए, फिर मैं यहीं पे गिर पड़ा। एक आप उस टाइम दुकान पे बैठे थे? नहीं, सामान दे रहा था कस्टमर को, फिर कस्टमर भी हल्का बेहोश हो गया, फिर उसके रिश्तेदार को अपने घर ले गए। तो जो आपके परिवार के बाकी लोग थे वो कहाँ थे उस टाइम? ऊपर थे घर में। तो वो आपको देखकर नीचे आए या वैसे ही रूटीन में आए? किसी ने आवाज दी थी ना, जैसे मैं बेहोश हो गया था, फिर आए थे तीनों देखने, उनकी तीनों की मौके पे डेथ हो गई। तो अब आपको जो सरकार ने या जो प्रशासन ने मुआवजा देने की बात कही थी, आपको मिल गया वो? अभी घायल वाला ही मिला जी, 50,000, और 2-2 लाख में बच्चे के नाम पे एफडी होनी है, उसमें से 1 लाख मिला। ये गोयल साहब थे, इनका इस देखिए, ये लोग, ये बचे हैं पीछे घर में, इनका पूरा परिवार लगभग इनका भी ख़त्म है। इनके मदर हैं, इनका भाई, उनकी वाइफ, छोटा बच्चा एक बच्चा है जो इनके भाई का बच्चा था। तो ये इस समय घर में अकेले हैं, इनके अब साथ कोई नहीं बचा। इसी तरह एक परिवार है जो थोड़ा आगे था, डॉक्टर साहब का परिवार, वो तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। तो इस तरह से कुल 11 लोग इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए। उन लोगों के लिए प्रशासन ने या सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन इन सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, अमृत पाखड़ी, इन्होंने इस मामले में बड़ी मेहनत की है, इस मामले में इन्होंने रिसर्च की है, बकायदा स्पॉट पे आए 3-4 बार घटना के बाद। हम इनसे एक बार ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जब तक इनसे बात नहीं करेंगे हमारा ये जो प्रयास है सरकार को प्रशासन को जगाने का, वो कामयाब नहीं होगा। बागड़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बागड़ी साहब, आप पिछले काफ़ी दिनों से इस पूरे मामले पे काम कर रहे हो, तो आपको ओवरऑल क्या लग रहा है? सर यहाँ के लोगों की जो मुख्य मांग है वो तो एक ये है कि जो इंडस्ट्री लाइन है सीवरेज की, और जो घरेलू लाइन है, कमर्शियल लाइन और घरेलू लाइन सीवरेज की, वो बोलते हैं कि वो अलग करनी चाहिए, एक ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग इसमें अपना वेस्टेज केमिकल डाल देते हैं, जिसके कारण ये गैस बन रही है यहाँ पे। वाकई साहब, आपने उस पूरे एपिसोड को कवर किया, जिस दिन घटना हुई आप यहाँ पे थे, उसके बाद भी आप यहाँ पे लगातार आ रहे हो,
तो आपको क्या लगता है कि जो आसपास की इंडस्ट्रीज हैं उनमें किस तरह का केमिकल यूज़ हो रहा है और ये कितना खतरनाक है? सर ये लोग जो बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं यहाँ पे तेजाब इस्तेमाल होता है और लोहे के जो पुर्जे बनाते हैं उसको फिनिशिंग करने के लिए ये निकल का काम करते हैं, और भी अन्य ऐसे कई घातक केमिकल हैं जिनका ये उपयोग करते हैं, और उनको उपयोग करने के बाद बहुत कम होता है। कि एक बात जो बड़ी है पापा जी वो ये है कि इस केमिकल को उठाने के लिए सरकार द्वारा बाकायदा लाइसेंस शुदा फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बोलते हैं कि उनका खर्च 80,000 से 1,00,000 रुपये आता है अगर वो गाड़ी लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक पूर्व पार्षद है जसपाल जी, उन्होंने बोला कि मैंने कई बार पत्र भी लिखे हैं, यहाँ पे कुछ माफिया के लोग सरगर्म हैं, जैसे जो वो कहते हैं वो वेस्ट केमिकल 20-30,000 रुपया लेके उठा लेते हैं। जिस दिन बरसात या बादल छाते हैं उस दिन ये बरसात को देखते हो कि बरसात पड़ेगी सीवरेज में डाल देते हैं। घटना के दिन भी ऐसा ही हुआ, शनिवार को बादल छाए हुए थे रात को और उन्होंने वेस्ट केमिकल उठाया सीवरेज में डाल दिया। लोगों के मुताबिक उस दिन बरसात कम हुई, सुबह गैस ने भयानक रूप ले लिया। ये जो 11 लोगों की मौत हुई है इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और उन पे किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सर जिम्मेवार तो वही लोग हैं जो लोग इस केमिकल को सीवरेज में डालते हैं। दूसरा उन इंडस्ट्रियलिस्टों को भी ध्यान रखना चाहिए जो अपनी आय कमाई को बचाने के लिए केमिकल को सीवरेज में डाल रहे हैं। अगर वो इस केमिकल को सही जगह पे पहुंचा दें जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं तो शायद ऐसा नुकसान ना हो। प्रशासन के या जो महकमे हैं सरकारी महकमे वो भी तो जिम्मेदार है ना कहीं ना कहीं? जी सर, इसमें नगर निगम के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले, आप यहाँ से जाओ फैक्ट्रियों के बाहर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने अपनी वो सावधानियाँ तो लिख के लगाई हुई हैं पर काम कोई नहीं करता। सबसे बड़ी बात और है पापा जी, यहाँ पे क्या है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभुगत से हमें लोगों ने दिखाया कि अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा होना चाहिए उसको ठीक करने के लिए वो मात्र एक दिखावे के लिए छोटा सा लगाया हुआ है। केमिकल को डिस्ट्रॉय ऐसे ही करते हैं। अगर कोई अधिकारी कल को बड़ी टीम आती है फैक्ट्री में जांच करते हैं तो उन्हें दिखा दिया जाता है कि हमने ये लगाया हुआ है प्लांट अंदर, जबकि वो प्लांट काम नहीं कर रहा हो। एक मैं और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ लोगों ने प्लांट लगाया, अभी हमने जो एरिया देखा आपके साथ तो कुछ लोगों ने ताले लगा रखे हैं, कुछ जगह पे फैक्ट्रियों के अंदर काम चल रहा है लेकिन अंदर से ताले लगे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी काम चल रहा है अंदर? बिल्कुल सर, 25 फैक्ट्रियों के जेई सचिन ने हमें बताया कि 25 फैक्ट्रियों के हमने कनेक्शन काट दिए हैं। अभी भी जिन लोगों का कुछ गैर कानूनी, जैसे वो आपको बताया छोटे छोटे ट्रीटमेंट प्लांट अंदर रखे हुए हैं, उन्होंने बाहर से ताले लगा दिए हैं। आप दरवाजे खड़काते रहो कोई नहीं खोल रहा। अभी भी कुछ ना कुछ फैक्ट्रियां हैं जो अधिकारियों की मिलीभुगत से चल रही हैं अंदर, बिल्कुल चल रही हैं। तो ये थे अमृत भाखड़ी जिन्होंने हमें पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरह से सब चल रहा था और किस तरह से अभी भी चल रहा है। बड़ा सवाल तो ये है कि हम बात कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है, आफ्टर क्या हो रहा है, लेकिन बात यह है कि वो जो 11 लोग मरे हैं उनमें बच्चे भी हैं दो, उन लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई तो होगा। भगवान तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा ना, वो इंसान की ही जिम्मेदारी है किसी ना किसी की, मेरी आपकी, या वो लोग जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं या वो पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड जो इतने महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं। अफसरों के लिए भी तो ये एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तो कम से कम तय हो। एक जांच चल रही है, अलग अलग लोग आ रहे हैं जांच के लिए, अलग अलग सरकार के विभाग आ रहे हैं, लेकिन नटचल क्या होगा ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ढाक के वही तीन पात होंगे, हम लकीर है, लकीर पीट रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मेरे को जो पहले होता रहा है वैसा ही शायद होगा। लेकिन आप लोग अगर इस मामले में जागरूक हैं तो इस मामले में आप भी आवाज़ उठाइए ताकि ये 11 लोग जो मरे हैं वो तो चले गए, अब उनके लिए जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी किसी ना किसी की। तो आज के लिए इतना ही, आपके पास कोई सुझाव है, आपके पास कोई कमेंट है आप हमें ज़रूर करें। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, हम लोगों के बीच में आकर जो बात कर रहे हैं वो कैसा लगा, इस संबंध में हमें जानकारी दीजिए। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं अनिल पावा, आज इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।